खाना मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे सुल्तान मलिक शाह अपने सिपाहियों और संजार के साथ जंगल में मौजूद होते हैं। संजार कहता है मैंने अपने सिपाहियों को जाहिरी तौर पर खड़ा कर दिया है सुल्तान। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और अदाब बजा लाने के बाद कहता है सुल्तान जो सिपाही मलिक तकिश के कबीले पर नजर रखे हुए हैं उन्होंने खबर भिजवाई है। मलिक तकिश अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकल चुके हैं। ये कहकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है और सुल्तान कहते हैं तैयार रहो हमें तकिश को पकड़ना होगा। दूसरी जानिब मलिक तकिश अपने सिपाहियों के साथ आंधी और तूफान की तरह संजार के बिछाए गए जाल की जानिब बढ़ रहा होता है। नाजरीन इसके बाद आप देखेंगे सब्बाह बदरुल जमाली के साथ पहाड़ी की चोटी पे बैठा होता है और बदरुल जमाली कहता है वो कौन ताकतवर लोग हैं जिनसे तुम बात कर चुके हो, हम सलजोक सल्तनत के खिलाफ किन लोगों के साथ काम करेंगे। तो सब्बाह कहता है सल्तनत रूम के सिपाही और बजंतीनी सिपाही मलिक शाह के भाई तकिश को बगावत के लिए तैयार कर रहे हैं, हम सलजोक सल्तनत के अंदर से कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं, अब जबकि तुम हमारे साथ हो तो हम सलजोक सल्तनत और मलिक शाह पर हर तरफ से हमला करेंगे। ये सुनकर बदरुल जमाली कहता है इसके नतीजे में खिलाफत अब्बासिया खत्म हो जाएगी और पूरा आलम इस्लाम फातिमा खलीफा की इताअत करेगा। तो सब्बाह कहता है अभी बहुत कुछ होगा, जब सलजोक तबाह हो जाएंगे तो ना सिर्फ मदीना में बल्कि दुनिया में हर जगह फातिमा खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा और काबे के वाली सलजोक नहीं बल्कि फातिमी होंगे। अब मैं कोवल जाकर इस अक्यूस से बात करूंगा ताकि अगला लाहे अमल बनाया जा सके। इस पर बदरुल जमाली कहता है खलीफा इस बात पर बहुत खुश होंगे, हम तुम्हारे साथ हैं हसन सब्बाह। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ सब्बाह की जानिब बढ़ा देता है और कुछ देर सोचने के बाद सब्बाह अपना खंजर निकाल कर उसका हाथ जख्मी कर देता है। इस पर बदरुल जमाली तकलीफ से कराते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। तो सब्बा बदरुल जमाली के खून को नक्शे पे गिरते हुए देखकर कहता है यह नक्शा गवाह रहेगा कि हम सलजोक सल्तनत और आलम इस्लाम पर कैसे कब्जा करेंगे। इस पर खून गिरना इस बात की अलामत है कि हमने अपनी आखिरी सांस तक सलजोक सल्तनत को तबाह करने की कसम खाई है। उधर सुल्तान मलिक शाह संजार और उसके साथियों के साथ तकिश का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और अदाब बजा लाने के बाद कहता है सुल्तान मलिक शाह ने आधे सफर के बाद रास्ता बदल लिया और अब वो औलाक की तरफ जा रहे हैं। इस पर सुल्तान पूछते हैं क्या किसी ने देखा नहीं कि क्या हुआ, उन्होंने रास्ता क्यों बदला। जवाबन सिपाही कहता है हमारे बंदू ने उन पर नजर रखी हुई थी मगर उन्होंने कुछ भी काबिले गौर नहीं देखा। ये कहते साथ ही सिपाही वहाँ से चला जाता है और संजार कहता है उन्हें खबर मिल गई होगी सुल्तान वरना वो औलाक वापस ना जाते। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं तुम्हारा खेल बर्बाद हो गया, हो सकता है कि मलिक तकिश गद्दार ना हो, क्या हम यहाँ सिर्फ एक बेमाना इल्जाम की बिना पर आए हैं। तो संजार कहता है ये बेमाना नहीं है सुल्तान, अगर मुझे अपने शक पर यकीन ना होता तो मैं ये इल्जाम कभी ना लगाता। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं तो फिर जो मर्जी करके इस मामले को जाहिर करो वरना तुम्हारे इस खता की वजह से तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान हाजिब कुमाज और अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और अस्लान ताश संजार से पूछता है अब हम क्या करेंगे हुजूर। तो संजार कहता है मलिक तकिश को भागने दो, उसे सोचने दो कि वो जीत चुका है, लोमड़ी जितना भागती है भेड़िया उतना ही पीछा करते हैं। दूसरी जानिब मलिक तकिश अपने करीबी लोगों के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है और उसका छोड़ा हुआ तीर परिंदे को जमीन पे ले आता है। मलिक तकिश परिंदे की जानिब बढ़ते हुए कहता है संजार तो तुम मुझे जाल में फंसाना चाहते थे। इस पर हमद कहता है ये उस शख्स की वजह से है जो रास्ते में हमसे मिलने आया था बाबा। ये सुनकर मलिक तकिश उस लम्हे को याद करता है जब संजार के बिछाए गए जाल की जानिब बढ़ते हुए उसका सामना ताजुल मुल्क से हुआ था और ताजुल मुल्क ने कहा था आप संजार के जाल में फंस जाएंगे मलिक तकिश, सान ने बता दिया है कि सरदारों की मौत के पीछे आपका हाथ है। इस पर मलिक तकिश ने कहा था इज़ाक्योस ने मुझे खत भेजा है। तो ताजुल मुल्क ने कहा था वो खत जाली है, इज़ाक्योस को जहर दिया गया है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जवाबन मलिक तकिश ने कहा था मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा ताजुल मुल्क। तो ताजुल मुल्क कहता है हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये ख्याल आते ही मलिक तकिश संजार की जानिब से भेजा गया खत निकाल लेता है और कहता है संजार मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सका, अब उसका सर कलम कर दिया जाएगा, मलिक शाह अपने हाथ से उसका सर कलम करेगा, हम तमाम तुर्क कबाइल के सरदारों को जमा करेंगे और उनके साथ इत्तेहाद कायम करेंगे, फिर बगावत की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये कहते साथ ही तकिश खत को फाड़ कर जमीन पे फेंक देता है। इधर अबू हामिद गजाली शलमजार के महल के करीब बैठे होते हैं। इसी दौरान अल्बर्ट एक सलजोकी सिपाही के साथ वहाँ आता है, उसे देख कर अबू हामिद गजाली खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़कर उसे खुशामदीद कहते हैं, फिर पूछते हैं आप आज यहाँ पर रास्ता कैसे भूल गए। तो अल्बर्ट उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है मैं निजामुल मुल्क की वजह से आया हूँ, समझेंगे खैर की खबर है। ये सुनकर अबू हामिद गजाली अल्बर्ट को अपने साथ बिठा लेते हैं, फिर पूछते हैं बताएं आपकी आमद का क्या सबब है। तो अल्बर्ट कहता है
जनाब मेरे जहन में चंद सवालात हैं। मैंने ये सवालात निजामुल मुल्क से भी किए मगर उन्होंने कहा कि आप एक आलिम हैं और आप बेहतर तरीके से ये मामला सुलझा सकते हैं। जवाबन अबू हामिद गजाली कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो वज़ीर आज़म की आला ज़र्फ़ी है। अब जबकि वज़ीर आज़म ने आपको मेरे पास भेज दिया है तो मैं अपने जवाबात से आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर अलबर्ट कहता है, माजी करीब में मैं सलजोकू को तबाह करना चाहता था, ताकत और इज्जत हासिल करके लोगों की नजरों में वालिब बनना चाहता था, मगर आज मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिशात बहुत बेमाना थी, इसलिए मेरे जहन में बहुत से सवालात आते हैं। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का मकसद पैसा, जागीर, शोहरत और ताकत हासिल करना है, मगर आप लोगों के यहाँ अल्लाह की रजा हासिल करने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। मैंने अस्फहान में लोगों को बहुत मुतमईन पाया और मैं अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद बेसकून और गैर मुतमईन हूँ। अल्लाह की रजा के हुसूल की खातिर जिंदगी गुजारने से क्या मुराद है? अलबर्ट की बात का जवाब देते हुए अबू हामिद गजाली कहते हैं, किसी भी चीज को पाने की अंधाधुंध ख्वाहिश करना इंसान को आजमाइश में मुब्तला करता है और जब आप उसे पा लेते हैं तो उस चीज को खोने का खौफ आपके अंदर पैदा हो जाता है और जब आप उसे खो देते हैं तो और ज्यादा तकलीफ होती है। यानी जब तक इंसान इस फानी दुनिया की ख्वाहिशात से जुड़ा रहता है उसे तकलीफ, गम और परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये लामहदूद ख्वाहिशात इंसान को अब तक इस दुनिया में सुकून हासिल नहीं करने देती। सुकून माल हासिल करने में नहीं बल्कि अता करने में है और जिन मुसलमानों को ये सुकून हासिल हो जाए वो इस फानी दुनिया से कोई तवक्को नहीं रखते। तो अल्बर्ट पूछता है, अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अबू हामिद गजाली कहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए तमाम मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने हर अमल में इताअत इलाही को मुकद्दम रखना चाहिए। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह ने जिंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई फरमाई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए एक नमूना है। यह सुनकर अल्बर्ट कहता है, जैसे मैंने लोगों को यहाँ जिंदगी गुजारते हुए देखा और जैसा आपने मुझे बताया इन सब बातों में मुताबिकत है। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस्लाम ही एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुझे ये सब मालूम हो गया है मगर फिर भी मेरे लिए इस्लाम कबूल करना मुश्किल है। मैं इतना उलझ गया हूँ कि अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद उसे सुलझा नहीं पाया। ये सुनकर अबू हामिद गजाली कहते हैं, हर इंसान अलग काम की महारत रखता है कमांडर अल्बर्ट। मैंने आपको इस्लाम के उन तमाम हकायक से आगाह कर दिया जो कि किताबों में दर्ज हैं, मगर इन हकायक की रूह से आपको कोई माहिर ही मुतारिफ करवा सकता है। हो सकता है कि वो आपकी उलझन और परेशानी को अच्छे तरीके से हल कर सके। इस पर अल्बर्ट कहता है, मैं अपने जहन में पैदा होने वाले सवालात और उलझनों को खत्म करना चाहता हूँ। इसकी खातिर मैं कोई भी किताब पढ़ने और किसी भी शख्स से नसीहत हासिल करने को तैयार हूँ। ये सुनकर अबू हामिद गजाली कहते हैं, जब तक आप हक की तलाश में गामजन रहेंगे मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। उधर कैनक कबीले में तुरना खातून लिविया से तफ्तीश कर रही होती है और लिविया कहती है, मैं बता चुकी हूँ तुरना खातून, जो शख्स कबीले में आया था वो शहजादा इज़ाकियोस का खास आदमी थॉमस है। वो लोग मुझे वापस बुलाना चाहते थे मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरा यकीन करे मैंने कुछ नहीं बोला और वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती। इस पर वहाँ मौजूद संजार कहता है, मुझे यकीन है कि तुमने कोई मालूमात आगे नहीं पहुँचाई। हमने मलिक तकिश के लिए जाल बिछाया मगर वो नहीं पहुँचा। अगर मैं गद्दारी को साबित ना कर सका तो मेरी जान और मेरी इज्जत दोनों को खतरा है। अब हम मलिक तकिश के जरिए इस गद्दारी को साबित नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये काम बजंतियों के जरिए करना होगा। अगर हमने इज़ाकियोस के खास आदमी थॉमस को पकड़ लिया और उसका मुँह खुलवा लिया तो उनके दरमियान हुए मायदे को जाहिर किया जा सकता है। मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ कि तुम अपने ऊपर से शकूक और शुबहात को मिटा सकती हो। जवाबन लिविया कहती है, आप जो चाहेंगे मैं करूँगी। तो संजार कहता है, तुम थॉमस को खत लिखोगी कि तुम उनके पास वापस जाना चाहती हो मगर तुम्हारी एक शर्त है, और जब तुम उससे मिलने जाओगी तो हम थॉमस को पकड़ लेंगे ताकि वो हमें मलिक तकिश और इज़ाकियोस की इत्तेहाद का बता सके। ये सुनकर लिविया कहती है, मगर मेरा ये कहना कि मैं वापस आना चाहती हूँ काफी नहीं होगा। उसको मुलाकात के लिए बुलाने की खातिर कोई बड़ी पेशकश करनी होगी और वो है मेरे चचा निकोलास के खुफिया कागजात। जब उसे कागजात का पता चलेगा तो वो उन्हें हासिल करने के लिए जरूर दौड़ा आएगा। लिविया की बात सुनकर संजार कहता है, जल्द अज जल्द उसे खत भिजवा दो और तुम इस मामले को देखोगे असलान ताश। इसके साथ ही असलान ताश और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं और तुरना खतून संजार से कहती है, मुझे खुशी है कि आपने इस बात पर यकीन कर लिया कि लिविया गद्दार नहीं। मैं उसको ज्यादा पसंद तो नहीं करती मगर ऐसे किसी पर इल्जाम तराशी भी नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर संजार कहता है, तुरना मेरी बहादुर खातून, तुमने हमले की जगह पर पहुंचकर मेरे सिपाहियों की मदद करके मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। फिर तुरना खातून कहती है, संजार अगर आपने गद्दारी साबित ना की तो खुदा ना खास्ता आपकी जान को भी खतरा है। इस पर संजार कहता है, बेफिक्र रहो तुरना, हम अल्लाह की मदद से उनके हर खेल का मुकाबला करना जानते हैं। फिर तुरना खातून पूछती है, क्या आज आप और बशोलो माँ के दरमियान कोई बात हुई? महसूस होता है कि आपके दिल में कोई बात है जिसे आप जाहिर नहीं करते। आपने मुझसे कहा भी था कि शायद एक दिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दूं। मुझे बताएं आपको क्या बात परेशान कर रही है। तो संजार कहता है, जब मुनासिब वक्त आएगा तो हर चीज से पर्दा उठ जाएगा और तुम जान जाओगी कि मेरे दिल में क्या बात थी। उस वक्त तक सब्र रखो तुरना। ये कहकर संजार साथ वाले खेमे में बशोलो खतून के पास जाता है। संजार को देखकर बशोलो खतून कहती है, तबार के अल्फाज ने मेरे दिल को तीर की तरह जख्मी किया। काश वो मुझसे बात करता तो मैं खुद उसे सब कुछ समझा देती।
ये कहते साथ ही बशोलो खतून तकलीफ की वजह से जोर जोर से खांसना शुरू कर देती है। तो संजार कहता है, परेशान मत हो अम्मी जान, खुदा ना खास्ता इस तकलीफ से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। जब भाई का गुस्सा ठंडा होगा तो वो आपकी बात समझ जाएगा। फिर बशोलो खतून पूछती है, तुम बताओ बेटा जो कुछ हुआ मैं जान चुकी हूँ। तो संजार कहता है, अम्मी जान मलिक तकिश गद्दार है, मगर मुझे ये बात साबित करना होगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं अम्मी जान। वो बाबा को तख्त से हटाने के लिए बगावत की तैयारी करना चाहते हैं और मुझे यही बात परेशान कर रही है। मगर हमने बाबा की जिंदगी और रियासत की सलामती की खातिर इस राज को अपने दिलों में छुपा कर रखा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सुनकर बशोलो खतून संजार से प्यार करते हुए कहती है, तुम्हारे बाबा तुम पर बहुत गुस्सा है और तुम इसी वजह से परेशान हो मैं जानती हूँ। तुमने इतने सालों दुख के साथ ही जिंदगी गुजारी, मैं जो कुछ भी कर लूँ मगर तुम्हें खुश नहीं देख सकी बेटे। तो संजार बशोलो खतून का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अम्मी जान अल्लाह किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, हम बहुत जल्द खुशी के दिन भी देखेंगे, तसल्ली रखें। ये कहकर संजार जैसे ही जाने लगता है, बशोलो खतून को एक मरतबा फिर खांसी शुरू हो जाती है और सीने में तकलीफ की वजह से वो अपना हाथ सीने पर रख लेती है। ये देखकर संजार एकदम से बशोलो खतून के पास आता है। इसके साथ ही तुरना खतून भी दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और संजार कहता है, तुरना इनकी खांसी नहीं रुक रही, अचानक तबीयत खराब हो गई है। इधर कारखाने में मलिक तबार गम की शिद्दत की वजह से लोहे को कूट रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब उसने सुल्तान का हाथ थामकर कहा था, मत जाएं बाबा मत जाएं, अगर आप जंग से वापस ना आए तो मैं क्या करूंगा, मेरी अम्मी जान भी नहीं है। फिर उस लम्हे को याद करता है जब बशोलो खतून ने उसे कहा था, मैं ये सब करने पर मजबूर थी बेटा, मुझे तुम्हारे बाबा की जिंदगी और रियासत की सलामती के लिए सब कुछ करना पड़ा, मुझे तुम्हें और अपने शोहर को छोड़ना पड़ा। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो क्या मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला छोड़ती। ये ख्याल आते ही मलिक तबार लोहे को मजीद शिद्दत से कूटना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब कनक कबीले में बशोलो खतून बेहोशी की हालत में लेटी होती है और तुरना खतून कहती है, इनका बुखार बहुत तेज है संजार, आज ये काफी परेशान थी, मैंने बहुत पूछा मगर इन्होंने कुछ नहीं बताया। इस पर संजार पूछता है, क्या तुम इनका इलाज कर पाओगी तुरना। तो तुरना खतून कहती है, मुझे खौफ है कि इलाज से भी इनका मर्ज ज्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा, मैं दवा लेकर आती हूँ। ये कहते साथ ही तुरना खतून वहाँ से चली जाती है और बशोलो खतून बेहोशी की हालत में तबार तबार पुकारती है। ये सुनकर संजार कहता है, जब मेरा भाई जख्मी था तो आपने उसका हर तरह से साथ दिया, हो सकता है कि अब उसकी मौजूदगी आपके लिए शिफा साबित हो, मैं उसे लेकर आऊंगा अम्मी जान। इसी दौरान वहाँ तुरना खतून आती है और संजार खड़े होकर कहता है, तुरना मुझे एक जरूरी काम है, तुम अम्मी जान का ख्याल रखना। इस पर तुरना खतून हैरानगी से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं संजार। तो संजार कहता है, जल्दी वापस आ जाऊंगा, परेशान मत हो। ये कहते साथ ही संजार वहाँ से चला जाता है और तुरना खतून हैरानगी से उसे जाते हुए देखती है। नाजरीन इसके बाद अब देखेंगे, एक शख्स अपना चेहरा डांपे हुए कोवल किले की जानिब बढ़ता है और बाहर मौजूद सिपाहियों को मौत की घाट उतारने के बाद किले की दीवार पर चढ़ जाता है। फिर दीवार से होते हुए किले की दीवार के अंदरूनी हिस्से की जानिब चला जाता है। उसे देखकर वहां खड़ा भजनदीनी सिपाही उस पर तीर चलाता है, मगर वो फुर्ती से एक जानिब हट कर खुद को बचा लेता है और अगले ही लम्हे उस भजनदीनी सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। और वहां खड़े दूसरे सिपाही को मारने के बाद वो किले के सेन में कूद जाता है। उसे देखकर भजनदीनी सिपाही उसकी जानिब बढ़ते हैं, मगर वो बगैर रुके भजनदीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। इसी लम्हे उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वह सब कोवल किले को भजनदीनी सिपाहियों के लिए मौत की अमाह जगह बना देते हैं। सेन में मौजूद सिपाहियों का खात्मा करने के बाद वो किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो जाते हैं और अंदर मौजूद भजनदीनी सिपाहियों की लाशों के अंबार लगा देते हैं। एक मुकाम पर पहुंचकर वो शख्स अपने साथियों को रोक देता है और हिजाक्योस के कमरे में जात दाखिल होता है। उसे देखकर हिजाक्योस एकदम से उठ बैठता है और पूछता है, कौन हो तुम, क्या तुम तुर्क हो। ये सुनकर वो शख्स अपना चेहरा अयाक कर देता है, जिसे देखकर नाजरीन मेरे साथ यकीनन आप भी चौंके होंगे, मगर यह मार्कोस नहीं बल्कि मार्कोस का भाई मिथ्रास है। उसे देखकर हिजाक्योस के मुंह से बेसख्ता निकलता है, मिथ्रास। फिर मिथ्रास कहता है, तुमने मेरे भाई को तुर्क लोगों के हाथों कुर्बान होने दिया, मैं तुमसे इसका हिसाब लेने और तुर्कों से इंतकाम लेने आया हूँ। जवाबन हिजाक्योस कहता है, मैंने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की मगर मलिक शाह ने ऐसा नहीं होने दिया। इस किले में मौजूद सिपाही मेरी इताअत करते हैं, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे। ये सुनकर मिथ्रास आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम रूम के खुदाओं के नाम पर मिथ्रास रखा गया, मैं मुकाबला किए बगैर नहीं भागता, मैं तुम्हारे सारे सिपाहियों को मारकर यहाँ तक आया हूँ। वैसे भी फालतू के सिपाहियों को किले में रखने की जरूरत नहीं, बाकी मानदा हजारों सिपाही मेरी इताअत करेंगे, अब ये किला मेरा हो चुका है। इस पर हिजाक्योस कहता है, मैं भजनदीनी शहजादा हूँ, तुम शहंशाह के सामने इसकी वजाहत कैसे दोगे। तो मिथ्रास कहता है, सबको यही लगेगा तुम मलिक शाह के जहर से मरे हो और शहंशाह को भी यही लगेगा, वैसे भी उन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा है जो तुम पूरा नहीं कर सके, बेफिक्र रहो तुम्हारी आखिरी रसूमात जरूर अदा की जाएंगी, मेरे लिए भी दुआ करना। ये कहते साथ ही मिथ्रास हिजाक्योस का गला दबोच लेता है।
हिजाकियोस मिथ्रास का हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है मगर मिथ्रास का पंजा पीछे नहीं हटता और हिजाकियोस की सांसें तड़पते तड़पते हमेशा के लिए बंद हो जाती है। उसके मरते ही मिथ्रास बिस्तर उस पर डाल देता है और वहां से चला जाता है। तो नाजरीन इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।